पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी एक रेंज फंसा हुआ है अब ये रेंज कहां तोड़ेगा ऊपर या नीचे सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में इसी के साथ तीन स्टॉक को मैं एनालाइज करने वाला हूं जो कि बहुत बढ़िया मोमेंटम देने वाले हैं आज की वीडियो का एम रखते हैं थ्री थाउजेंड प्लस लाइक चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को तो आइए जानते हैं हम निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू अगर हम बात करें देखो निफ्टी की क्लियर कट क्लियर कट हमने आपको बोला था कि वो छाल मिलेगा अप खुलेगा बिना किसी से पूछे हैमर देखना बेच देना देखा आपने राइट आई नो सब ने देखा होगा सपने ने सब ने कमाया होगा बट दोस्तों कमेंट कोई नहीं करेगा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमको लिटरली दिल से खुशी हो कमेंट करना ना बोले कि आपको बैंक निफ्टी निफ्टी एनालिसिस कैसी लगी हमने आपको गैप अप में सेल करने को कहा था हमें वही देखने को मिला अब छोड़िए अब देखिए अब क्या करना है हमें कल के डेट में अब आपको एक रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रखा है निफ्टी में एज यू नो फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट कितना दोस्तों लेवल ये फोर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड का राइट right? तो फोर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड का जैसे लेवल तोड़ेगा आपको फ्रेश क्या करके चलना है यहां पे बाय करके चलना है ठीक है एस क्या होगा थर्टी पॉइंट का आपका एस हो जाएगा ठीक है जो आपका टारगेट वन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी सेकेंड टारगेट क्या हो जाएगा फोर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड का इन दो टारगेट के लिए आपको बाय करके चलना है निफ्टी को जैसे ही लेवल सस्टेन हो जाए आराम का आराम से फिर आपका टारगेट क्या होगा ये वाला मतलब आठ के आसपास निकल जाना और अदरवाइज आपका थर्ड टारगेट क्या हो सकता है 14,850 का यहाँ पे ट्राई करना निकलने का क्योंकि एज यू नो यहाँ पे एक बार बहुत बड़ा क्रिटिकल रेजिस्टेंस है ठीक है जो कि बहुत दिनों से बहुत दिनों से चला रहा है यहाँ पे निफ्टी जब भी आता है नीचे आता है जब भी जाता है नीचे आता है जाता है नीचे आता है ठीक है ये है जैसे ही तोड़ता है फोर्टीन का लेवल तोड़ता है तो आप एक काम कर सकते हैं फोर्टीन थाउजेंड का कॉल ऑप्शन उठा के बाय कर सके दोस्तों जैसे ही लेवल तोड़ता है तो फोर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड का चल सकते हैं इस केस में, क्या इस केस केस में में राइट क्या रहेगा रहेगा स्पॉट का यह रणनीति कल के लिए तो ऑप्शन में भी आप कमाई करके चल सकते हैं अगर आप थोड़ा सस्ता लेना चाहते हैं तो यू कैन डू वन थिंग फोर्टीन थाउजेंड से कॉल ऑप्शन आराम से आप बाय करके चल सकते हैं तो ये ओ टीएम और ये ए टी एम वाले कॉल ऑप्शन को दोनों को आप रडार में रख सकते हैं एक बढ़िया कमाई हो जाएगी ठीक है यह तो बात हो गई हमारे निफ्टी के बाइंग की अब हमको सेलिंग कब करके चलना है देखिए क्या आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं क्या आपको यहाँ पे एक सपोर्ट बनते हुए दिख रखा है फॉर श्योर येस ऑफकोर्स राइट तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो अगर ये कितना लेवल है फोर्टीन का अगर फोर्टीन का लेवल तोड़ देता है सिक्स नहीं सिक्स राइट right? 14,660 का लेवल तोड़ देता है तो सेल बिलो करके चलना है एसएल क्या होगा 30 पॉइंट का यानी एसएल कितना होगा 14,690 का जो आपका टारगेट वन रहेगा वो रहेगा 14,600 का जो आपका सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा रहे 14,570 का हाँ जी अच्छा सिक्स सिक्सटी का जैसी लेवल तोड़ेगा यू कैन डू वन थिंग क्या करोगे आप लोग यू कैन डू वन थिंग फोर्टीन का ऑप्शन ए ये हो जाएगा आई वाला बाय करके चल सकते हो बहुत बढ़िया आपको कमाई हो जाएगी ये रणनीति है कल के लिए निफ्टी में ठीक है जान चुके हैं निफ्टी का व्यू और आई होप एक एक आप बारीकी समझ रहे हो यार मजा आ रहा है आप लोगों को दोस्तों अगर मजा आ रहा है लाइक कर दें यार ठीक है जानते हैं बैंक निफ्टी का व्यू दोस्तों बैंक निफ्टी एज यूजुअल हमने आपको बोला उछाल मिलेगा <laughs> मतलब गैप अप खुलेगा छोड़ना नहीं है बेच देना है क्या हुआ बेचा बढ़िया मौका मिला ठीक है बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला आप सुनिए बैंक निफ्टी एज यूजल बेच के चलना है जब तक हमारा बैंक निफ्टी किसके नीचे रहता है एक देखो एक तो उछाल में बेच के चलना है ऑफ़ कोर्स बिलो 33,200 के नीचे ठीक है तो सेल बिलो 32, सॉरी uh, uh, 33,000 यस yes, 33,200 के नीचे ऐसेल क्या रहेगा थर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी का सेवेंटी पॉइंट कैसल रहेगा ठीक है उछाल मिले कहीं भी आप बेच के चलना मेरे को आइडिया नहीं कि उछाल कहाँ तक मिलेगा आपको देखना वहाँ पे हैमर बनते हुए तो आप आराम से बेच के चलना वहाँ पे ठीक है मान लो अगर आप आप बेचते हैं थर्टी थ्री थाउजेंड के आसपास क्योंकि देखो आज तो थर्टी थ्री थाउजेंड के ऊपर ही नहीं निकला ठीक है तो मान लो तैंतीस हज़ार के आसपास अगर अगर आप बेचते हैं तो आपका जो आपका एस एल होगा सेवेंटी पॉइंट कैसल होगा जो आपका टारगेट वन होगा वो होगा थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड का सेकेंड टारगेट होगा थर्टी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का यह रणनीति वहां पे काम और कर सकते हो आई का थर्टी थ्री थाउजेंड का पुट ऑप्शन भी बाय करके चल सकते हो बढ़िया कमाई हो जाएगी ये तो बात रही देखो उछाल में बेचने की फ्रेश शॉर्ट सेल करना आपको कब है क्या होगा अगर आपका ये ये आपका लेवल टूट जाए दोस्तों हमने क्या बताया था आपको एक बहुत बड़ा क्रिटिकल सपोर्ट है थर्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी ठीक है ये वाला ओके अगर ये लेवल टूटता है थर्टी टू थाउजेंड टू थ्री हंड्रेड फिफ्टी का लेवल टूटता है तो सेल बिर आपको करके चलना है। ये हो जाएगा फ्रेश आपको सेल करके चलना है सेवेंटी पॉइंट का सेल जो आपका टारगेट होगा वो होगा थर्टी थ्री सॉरी थर्टी टू थाउजेंड का ठीक है और जो आपका सेकेंड टारगेट होगा वो होगा थर्टी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड का इन दो टारगेट का आपको बैंक निफ्टी को सेल करके चलना अगर लेवल टूटता है तो ओके फिफ्टी लेवल टूटने के बाद यू कैन डू वन थिंग थर्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड का पुट ऑप्शन भी बाय करके चल सकते हो इन द मनी वाला इसमें भी बढ़िया आपको मोमेंटम देखने को मिल जाएगा अब मान लो अगर ये यहाँ पे अगर सपोर्ट बनाता है सपोर्ट बनाने के बाद ये आपको ये आपको क्या रजिस्ट्रेंस दिख रहा है ये रजिस्ट्रेंस तोड़ देता है दोस्तों ये लेवल कितना आपका फ्लैट खोलता है तब की बात कर रहा हूँ मैं बत्तीस छः सौ चालीस पचास के ऊपर निकलता है अगर मान लो जैसे कि ये रेंज बना रहा है रेंज अगर ये तोड़ देता है इसके ऊपर सस्टेन करता है थर्टी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी का लेवल तोड़ता है यू कैन डू बाय ठीक है क्योंकि छोटा सा एसएल होगा क्योंकि बार बार देखो मैं मेरे को क्या दिख रहा है बार बार उछाल ले रहा है तो क्यों ना हम एक बार उछाल के लिए एक बार मौका देखें ठीक है तो थर्टी टू थाउजेंड सिक्स फिफ्टी का लेवल तोड़ेगा तो बाय कर लेना वहाँ पे सेवेंटी पॉइंट का एसएल होगा एक्सक्यूज मी सेवेंटी पॉइंट का एसिल होगा जो आपका टारगेट वन रहेगा वो रहेगा थर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड का सेकंड टारगेट रहेगा आपका थर्टी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड का ये रणनीति है तोड़ेगा तो आराम से फोर्थ शॉर्ट sure, यहाँ तक तो जा ही सकता है ये ठीक है सॉरी आपका फॉर्श शॉर्ट यहाँ तक तो जा ही सकता है ठीके? ये ठीक है ये रणनीति है कल के लिए बैंक निफ्टी में सो आई होप आप एक एक बारीकी समझ रहे हैं बैंक निफ्टी की अगर कल बैंक निफ्टी निफ्टी गैप अप खुल जाए किसी भी रीजन से वहां भी एक बार ट्राई करना है आपको सेल के लिए अभी मार्केट नहीं है गैप अप में बाय करने का ठीक है गैप अप होगा मार्केट गैप फिल करेगा तब जाके लोग सोचेंगे कि हाँ करना क्या है ठीक है अगर गैप डाउन होगा वेट करना है पहले गैप फिल करेगा तब जाके ऊपर हैमर दिख रहेगा है, अगर आपको बियरिश हैमर देखा तो आपको सेल करके चलना है आई होप आप एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं एक एक साइकोलॉजी को समझ रहे हैं कि हमको कैसे कैसे काम करना है काफी लोगों ने उछाल में अप में बाई किया होगा मैं हमेशा बोलता हूं कि आप एक्सपीरियंस अभी आप, आपको बहुत अभी समय देना पड़ेगा मार्केट में ठीक है इतना आसान नहीं है मार्केट में काम करना ठीक है ना सो so, जान चुके हम निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू चली जानते हैं अपने स्टॉक्स के बारे में जो पहला स्टॉक है हमारा उसका नाम है फार्मा देखो सन फार्मा को बाय करके चलना है सन फार्मा देखो क्या किया सन फार्मा ने ब्रेकआउट दे दिया है ये रेजिस्टेंस का ठीक है डेली के चार्ट पे और यहाँ पे एक बुलिश हैमर बन चुका है दो बुलिश हैमर बन चुके हैं ठीक है ठीके? अच्छा अब देखो हमको एक क्या बढ़िया चीज करके चलनी है पंद्रह मिनट के चार्ट पे आता हूँ ठीक है आपको दिखाता हूँ मैं देखो पंद्रह मिनट के चार्ट पे एक मस्त कंटिन्यूशन पैटर्न देखो बन रहा है ठीक है तो कल के लिए बाय करके चलना हमको सन फार्मा को सिक्स के ऊपर ठीक है तो बाय अवव सिक्स हंड्रेड नाइनटीन ऐसे क्या रहेगा सिक्स हंड्रेड फिफ्टीन uh, का आपका कैसल रहेगा जो आपका टारगेट वन रहेगा वो रहेगा 628 का सेकंड टारगेट क्या रहेगा 633 का इन दो टारगेट के आपको बाय करके चलना है सनफार्मा को आप पहले आप ज़रूर एक बार देखिएगा वेट करिएगा इतना जल्दी आप मत बाय करिए प्राइस एक्शन देखो मैं कमेंट पढ़ता हूँ काफ़ी लोग लॉस करवा दिया ये कर दिया अरे क्या हो गया आप अपना देखो उसमें अपना एनालिसिस पुट करो देखो उसमें जो मैंने आपको चीजें सिखाई हैं आपको ब्लाइंड बन के आपको काम नहीं करना यू हैव टू बी यू हैव टू बी रियली कॉन्शियस ठीक है जानते हैं सेकंड स्टॉक सेकंड स्टॉक जाने उससे पहले अगर आप भी मार्केट में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं अगर आप भी मार्केट में अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हैं राइट अगर आप भी हमारी तरह ट्रेड फाइंड आउट करना चाहते हैं मैं मैं बात कर रहा हूं इंट्राडे शॉर्ट टर्म पोजिशनल स्विंग लॉन्ग टर्म अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो प्रभात फोड़िंग सब आपको मौका दे रही है हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है सेवंथ ऑफ अप्रैल से हाँ जी सेवंथ ऑफ अप्रैल से डेट सुन लीजिए तो जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं थक चुके हैं लॉस कर करके तो आप इस ऑनलाइन ट्रेनिंग बैच में इनरोल करवा सकते हैं तो ज़्यादा इंफॉमेशन के लिए काम कर सकते हैं हमारे इस इस बोर्डलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप राइट ये बोर्डलाइन नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों मेरे को पता है कि आप लोगों को सीखने का मन जरूर करता है लेकिन आप लोग डरते हैं आप लोग सहमते हैं कि मैं सीख पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा मैं ये चीजें कवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा बट मैं आपको इतना गारंटी देता हूं कि आप लोग अपने पे विश्वास रखो तो आप एक कदम बढ़ाइए प्रभाव थोड़िंग सर्विस आपके लिए सौ कदम आगे बढ़ाएगी आप दूसरों के ऊपर दूसरों के टिप्स लेवल के ऊपर डिपेंड होना छोड़ दीजिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए दोस्तों आप सेकंड स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक को सेल करके चलना है क्योंकि देखो एक्सिस बैंक ने क्या किया ये डाउन कर दिया ठीक है और ऊपर से एक देखो एक यहां पे एक रेंज बन रहा था रेंज का ब्रेक डाउन कर दिया है अब सुनिए अब क्या करके चलना है बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है पंद्रह मिनट के चार्ट पे हमको लगाना है ठीक है देखो पंद्रह मिनट के चार्ट पे तो देखो इसने तो ब्रेक डाउन कर ही दिया है ठीक है अब यहां पर ठीक है अब इसके नीचे आपको सेल बिलो करके चलना है यानी सेल बिलो सिक्स हंड्रेड के नीचे ठीक है तो सेल बिलो सिक्स सेवनटी एट क्या रहेगा सिक्स का आपका एस रहेगा ठीक है जो आपका टारगेट वन रहेगा या सिक्स हंड्रेड एट्टी वन मान लो छोटा सा ठीक है ना तो आपका टारगेट वन रहेगा वो रहेगा सिक्स हंड्रेड सेवेंटी टू का सेकेंड टारगेट रहेगा आपका ये मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में अच्छा टेलीग्राम ग्रुप की दोस्तों जहाँ तक बात आती है तो देखो आप अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े जाके जुड़ सकते हैं आपको पता है आज हमने बहुत सारे ट्रेड दिए आपको एक तो हमने आपको मॉर्निंग में खुलते ही बजाज फाइनेंस दिया था शॉर्ट सेल के लिए बढ़िया गया राइट कमेंट आप मिलो कि आपने बजाज फाइनेंस में कितना बढ़िया प्रॉफिट अर्न किया और उसके बाद हमने आपको दिया था इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना लिटरली बहुत बढ़िया ये गया और आज तो मतलब बहुत बढ़िया स्टॉक हमारे स्टॉक ने परफॉर्म किया ठीक है और तो देखो अगर आपको इस टाइप के ट्रेड लेने हैं ठीक है थीके? अगर आपको इस टाइप के ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं और हमारे यूट्यूब स्टॉक ने भी बहुत बढ़िया रिटर्न दिया इन्फोसिस ने उतना बढ़िया तो नहीं दिया ठीक है बाकी हाँ अदानी इंटरप्राइजेज और किसने और हमारे आयशर मोटर ने धुआंधार रिटर्न दिया राइट right? सो so, देर किस बात की है जाओ अभी जुड़ जाओ अच्छा यू कैन डू वन थिंग दोस्तों आप एक काम और कर सकते हो आप उछाल में बेच के चल सकते हो अगर आपके पास समझ है किसकी बेरी शामर की क्योंकि ये आपको उछाल में बेच के चलना है ये होल्ड ऑन इसमें लाइन को स्ट्रेट बनाता हूँ ठीक है इधर ठीक है तो उछाल मिले तो जब तक उछाल जब तक 688 से जब तक 688 के नीचे रहता है तो सेल बिलो भी करके चलना है 688 के नीचे ये भी रणनीति है ठीक है तो कहीं भी आपको उसको बेच के चलना एस एल आप तीन पॉइंट का मोटा मोटी रखिएगा ठीक है ये रणनीति है जानते हैं लास्ट स्टॉक लास्ट स्टॉक है एशियन पेंट्स हाँ जी <laughs> अच्छा एशियन पेंट जानने उससे पहले दोस्तों मेरे को रिमाइंड करना पड़ता है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है लाइक किए बिना मत जाइएगा मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रीवियस वीडियो में बहुत हज़ार से भी कम लाइक हैं राइट लाइक कराना बोले वीडियो पसंद आ रही है और दोस्तों और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें देखो एशियन पेंट में हुआ क्या है यहाँ पे एक ना रेंज बन रहा था रेंज का देखो ब्रेकआउट हो रखा है ठीक है और यहाँ पे देखो कंटिन्यूशन पैटर्न का ब्रेकआउट हो रखा है है कि नहीं बहुत शानदार अब देखो कब कल कल एक मस्त तरीके से बाय करके चलना हमने एक हमने एक चीज़ पढ़ रखी है ना पी डी एच प्रीवियस डे हाई ठीक है देखो एक तो ये ब्रेकआउट कर रखा है अब ये वाला बन चुका है ना बताइए ऑफकोर्स येस बन चुका है बिल्कुल तो कल के डेट में क्या करके चलना आप लोगों को 2615 के के ऊपर 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 करके करके चलना चलना है। you know, है चलना है। बहुत सिंपल ये। इसके यानी अब, टेट वन होगा, होगा ट्वेंटी का लेकिन अपडेट कर दूंगा ठीक है ये है so, this is all for today. वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जो लिख के बताइएगा तो चलिए वाइंड अप करते हैं आज की वीडियो टिल नमस्कार